नमस्कार जी, मैं मंजू। और आप सब कैसे हैं? आज अक्टूबर की 12 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को डाइमर फुतिका लगाना सिखाऊंगी। इसको लगाना बहुत ही आसान है और इसे चलाना भी बहुत आसान है। तो लास्ट ईयर आपने मेरे गार्डन में ये खूब सारे फूल खिले हुए देखे, कई बार मैंने दिखाए और लंबे टाइम तक ये बने रहते हैं। तो लास्ट टाइम ये वाइट कलर वाले मैंने आपको ग्रो करना सिखाए थे, तो इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। आज जो मैं आपको सिखाऊंगी वो येलो, ऑरेंज, एप्रिकोट, उसमें कई सारे शेड्स हैं, तो उनको ग्रो करना सिखाऊंगी। और वो बहुत ही जल्दी, जैसे मैंने 4 तारीख को लगाए थे और 7 की सुबह उनके प्लांट्स निकल आए थे। तो ये जो इनका साइज़ होता है, ये मीडियम साइज़ की झाड़ी होती है, बुशी प्लांट होता है। और ये जो आप वाइट कलर के देख रहे हो, ये थोड़े उनसे बड़े होते हैं। और इनमें जो सीड, जो जर्मिनेशन में थोड़ा सा टाइम उनसे ज़्यादा लग जाता है, पर 1 हफ्ते में ये भी निकल आते हैं। तो इन्हें ग्रो करना बहुत ही आसान है। अभी मैं अपने टेरेस पे इनके प्लांट्स जो मैंने ग्रो किए हैं वो दिखाऊंगी, और सीड भी, और किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए। तो अगर आप उनके फूल देखना चाहते हैं किस तरह के हैं, ऑरेंज शेड में जहाँ एप्रिकोट वगैरह किस तरह के चमकीले, बहुत ही खूबसूरत इनके फूल होते हैं, तो वो वीडियो नंबर आप 638 में देख सकते हैं। तो उसमें इनके मैंने फूल दिखाए हुए हैं और एक वीडियो में मैंने इनके सीड चुनना भी आपको बताया हुआ है, तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं। तो इनमें इनके जो फूल हैं वो बहुत ही लंबे टाइम तक बने रहते हैं। तो इन्हें आप क्यारियों में बॉर्डर के रूप में लगा सकते हैं और पोट्स में भी ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इन्हें प्रोपगेशन इनकी कब करनी है, आप इन्हें सितंबर और अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं। और सीड लगाने के ये 2, 2.5 या 3 महीने में फ्लावर देना शुरू कर देते हैं। तो डिपेंड करता है कि सीड आपने डायरेक्टली लगाया है और बाकी बाद में थिनिंग कर दी है, तो वो प्लांट्स जल्दी बड़े होते हैं। और अगर आप ट्रांसप्लांट करते हो तो फिर ग्रोथ जो है, जब तक रूट्स अपनी जगह बनाती हैं नई मिट्टी में, तो कुछ टाइम के लिए ग्रोथ रुक जाती है, वो फिर थोड़ा लंबा टाइम लग जाता है। तो ये भी डिपेंड करता है। दूसरा, कैसी मिट्टी बनाई है, किस तरह की आप धूप इनको दे रहे हो, तो इनको जो सनलाइट जो कैसे चाहिए, फुल सनलाइट पसंद है इन्हें। तो अगर आप छायादार जगह में रखते हो तो फिर ग्रोथ जैसे कम हो जाती है, प्लांट्स अच्छे से चलते नहीं है। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है, तो उन्हीं पे डिपेंड करता है ये सब चीज़ें। अगर जो इनकी रिक्वायरमेंट है उनको सब मिल रही हो तो अच्छी ग्रोथ होती है और जल्दी से फूल आना स्टार्ट होते हैं। मिट्टी कैसे बनानी है आपने? मिट्टी जो इन्हें वेल ड्रेन्ड रिच सॉइल पसंद है। अगर तो आप क्यारियों में लगाते हो तो आधी आप अच्छी तैयार गोबर की खाद और आधी मिट्टी मिक्स करके क्यारियों में डाल सकते हैं। और बस पानी ही इनको आपने, जब ज़रूरत होगी तो पानी देना है, और जैसे बादल वगैरह हो तो फिर पानी देने की ज़रूरत नहीं है। हल्की सी लेयर ऊपर की सूख जाए तो देना है। पर पोट्स में जैसे कम मिट्टी होती है, कम खुराक इन्हें मिलती है, तो फिर आप हर हफ्ते अगर पोट्स में कोई लिक्विड फर्टिलाइजर डालते हैं तो ये बहुत ही अच्छे चलते हैं। और पोट्स में जब लगाते हैं तो मिट्टी इनकी जल्दी सूखती है, पत्तियां जब ऐसे दूसरे दिन ही, अगर हमारे यहाँ जैसे बहुत तेज़ धूप होती है तो पत्तियां जैसे ऐसे हल्की सी मुरझाने जैसी लगती हैं। तो मैं तो हर रोज़ ही पानी जैसे देना पसंद करती हूँ, जैसे दूसरे प्लांट्स को देती हूँ। अगर मुझे लगा शाम के टाइम भी पूरी धूप खाई है तो फिर मैं शाम के टाइम भी कई बार देती हूँ, अगर बादल वगैरह हो तो ज़रूरत नहीं है तो फिर नहीं इनको पानी देना है। तो पानी बस आपने ज़रूरत के हिसाब से देना है और वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, बस यही ध्यान रखना है। तो आप इन्हें पॉलिथिन बैग में भी ग्रो कर सकते हो, छोटे पॉट में, 5 इंची के पॉट में एक प्लांट लगा सकते हैं, 10 इंची के पॉट में आप 2-3 प्लांट्स लगा सकते हैं, अलग अलग कलर के लगा सकते हैं। तो इन्हें अफ्रीकन डेजी भी कहा जाता है, अफ्रीकन मैरीगोल्ड भी कहा जाता है, और भी ये कई नामों से जाने जाते हैं। तो अब मैं आपको लगाना सिखाऊंगी। हाँ, अगर आप पोट्स में लगाना चाहते हैं तो एक हिस्सा अपने गार्डन की मिट्टी का ले लीजिए और एक हिस्सा ऑर्गेनिक चीज़ों का, जैसे हाफ अच्छी गोबर की तैयार जो खाद होती है, अच्छी खाद वो लेनी है, और हाफ कंपोस्ट वगैरह, ये लीफ वगैरह की जो बनाई होती है, जहाँ किचन वेस्ट की बनाते हैं आप, वो डालनी है। तो एक हिस्सा दोनों का मिला के वो डालना है, और 2-3 मुट्ठी आप उसमें रेत की, बारीक रेत जो है वो डालने, तो इससे यह है कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया हो जाता है और जड़ों को फैलने में भी
हेल्प मिलती है। ये जो सीड देख रहे हो, ये मैंने ही चुने हुए हैं अपने, तो इसमें कोई कोई गेंदे का भी आ गया है। तो मेरे भाई बहन के पूछते हैं कि गेंदा नहीं लगता तो वो भी उगाएगा, ये बताऊंगी। तो ये सीड ये देख रहे हैं, ये जो थोड़े हल्के कलर के हैं, लाइट हैं, तो ये लाइट कलर के आते हैं इनमें फूल। और ये जो डार्क कलर के कुछ दिख रहे हैं ना इनमें, तो वो डार्क कलर वाले फ्लावर्स, ये सीड जब चुने थे तो पता ये चलता है जो डार्क कलर वाले फूल, तो ये हैं इनके सीड ये इस तरह से। तो ये मैं सारे, इसमें मेरे कोई प्लांट लगा हुआ था तो अब उसकी लाइफ हो रही थी पूरी, मैंने निकाल दिया है। मैंने कोई कुछ मिट्टी मिक्स नहीं की, ऑर्गेनिक चीज़ों का यही होता है कि मिट्टी लंबे टाइम तक बढ़िया रहती है। बस मैंने जो काम किया, ये खुरपी से मैंने अच्छे से पौधा, मैंने कुछ दिनों पहले निकाल दिया था मिट्टी को धूप से, अच्छे से ये देखो सुखा लिया हुआ, इसमें रेत भी मिली हुई है। और इसमें एक मुट्ठी हमने जो मिलाना है वो हम मिलाएंगे लकड़ी की राख, तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें मिट्टी में हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कि जो जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं ना, तो ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र पौधों को मिलते हैं और पौधे मजबूती से उगते हैं। तो इस तरह से, तो मैंने बस ये थोड़ी एक जो मिट्टी है इसकी जो गमले की ये भुरभुरी की है, बाकी नीचे तक मैंने कुछ भी पत्थर भी नहीं निकाला, पूरी मिट्टी भी नहीं निकाली। तो आपकी मर्जी है, आप अगर पूरा निकाल के धूप लगवाना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। और जो राख होती है ये पेस्टिसाइड का भी काम करती है, तो ये भी इसके फायदे रहते हैं। तो अब मैं ये इतने सीड डाल दूंगी, अब पता नहीं इनमें से कितने ठीक होंगे कितने नहीं। तो ये सीड इनके अंदर ये होता है, ये जैसे ये बने हैं ना, इनके अंदर होता है बारीक सा सीड, ये इस तरह से, ये देखिए ये है, ये देख रहे हैं ये। तो ये ऐसे स्प्रिंकल कर देने हैं पूरे, तो जितने पौधे निकलेंगे ठीक है। और ये गेंदे के भी थोड़े से मैं बीच में हाइब्रिड वाले ऐसे डाल दूंगे, ताकि बीच बीच में मेरे गेंदे भी लगते रहते हैं। और इसके इसी पोट में से जो मैंने मिट्टी निकाली हुई है, हल्की सी लेयर उसकी ऐसे ऊपर ऐसे दे दूंगी। ये सीड भी बड़े हल्के होते हैं। और मिट्टी को आपने स्प्राउटिंग तक हल्का मॉइस्ट ही रखना है, और सीधे जैसे मैंने छत पे इसको धूप भी आनी चाहिए और हल्की सी छाया। अगर मौसम चेंज हो जाता है, आपके ठंडक आ गई है मौसम में, तो फिर आप बिल्कुल धूप में रख सकते हैं उसको ऐसे। और धूप में जो तैयार पौध होती है वो बहुत मजबूत होती है, लैगी नहीं होती। तो बस इतनी ये लेयर दे दी हमने। और कई मेरे भाई बहन कहते हैं कि चींटियाँ आती हैं, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा सीड खा जाती हैं। तो चींटियाँ आती हैं तो पोट के आसपास ये जो देख रहे हैं ना, मच्छर मारने वाला जो हिट होता है, तो ये मच्छरों के लिए हमने ये रखा हुआ होता है। तो ये ऐसे इसको ये इधर इसकी दीवार पे ऐसे कर दो, तो ये स्मेल से, ये चारों तरफ ऐसे स्मेल से, ये फिर ये चींटी नहीं आएगी आपके गमले में। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप वो दालचीनी और हल्दी का जो है वो पाउडर इसमें डाल सकते हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है, पानी दे देना है हल्का सा ऐसे, बस सीड हमारे बाहर भी नहीं आए ताकि चिड़िया वगैरह नहीं ले जाए। और इनकी जो स्मेल होती है ना ये दवाई की, अब इससे चींटियां क्रॉस नहीं कर पाएंगी, क्योंकि धूप लगवा ली हुई है मैंने गमले में। तो जब धूप नहीं लगवाओ, अगर आप मिट्टी बाहर निकाल के सुखा लेते हैं तो चींटियां वगैरह कुछ नहीं रहती फिर। और एक चीज़ फिर आप, मैं और भी इसमें करूँगी, जैसे ये सूखी मिट्टी है और ये मेरे मग में, मैं इसको पानी डालूंगी। और मैंने ये डाला बनाया हुआ है जो एंजाइम तैयार किया हुआ है ऑरेंज वाला, तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो एक ढक्कन मैं इसका भर के, ये ढक्कन भर के मैं इसका एक ये मग मग में डालूंगी। और मग को ये इतना पानी हमने डाला हुआ है इस तरीके से, तो ये भी ऐसे डाल दूंगी। ये मिट्टी को क्या बनाता है, हमारे अच्छा और उपजाऊ। तो बस ये हो गया, बस धीरे धीरे पानी देना है ताकि
ये सीड हमारे बाहर भी ना आए। और मैंने एक वीडियो बना रखा हुआ, कई भाई बहनों के पौधे तो इसलिए भी मर जाते होंगे कि उनको ठीक से पानी नहीं देना आता हुआ। तो इसके जो मैंने पौधे लगाए थे, ये अब देखिए आप, ये हैं, ये जो ये पौधे हैं गेंदे के साथ में, और साथ में मैंने ये अफ्रीकन डेजी के, ये अलग से दिख रहे हैं, ये अफ्रीकन डेजी, ये अफ्रीकन डेजी, ये अफ्रीकन डेजी, और उसके ये, तो ये मैंने 4 तारीख को ग्रो किए थे दोनों इकट्ठे। और मेरे जो 6 तारीख को ये मैरीगोल्ड के निकला है, और ये अफ्रीकन डेजी को ये 7 की सुबह निकले थे। ये अलग से शेप, ये दिख रही है, ये पौधा, ये छोटा पौधा। और उसके बाद आपने, अगर आप बहुत सारे पौधे लगा रहे हो तो आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा क्या नहीं, छोटे छोटे पौधों की पहचान नहीं हो पाती है, तो इस तरह से टैग ये लगा दो बस इसमें, तो आपको ये पता रहेगा कि आपके कब निकले कब नहीं निकले। और कई सारे वीडियोस देखो, मैं बहुत कुछ, जैसे आप जानते हो कि मैं बहुत प्लांट्स लगाती हूँ, तो कई सारे जो मैं वीडियोस मैं बना नहीं पाती हूँ, बता नहीं पाती हूँ, और मेरे फिर फूल आते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से, मैंने एक पॉली बैग में ये मिट्टी भरी है और नीचे होल कर ली हैं और थोड़ी सी पत्तियाँ डाली हैं। तो ये मैं वर्बीना के सीड जैसे मैंने खुद ही चुने हुए हैं अपने, वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, हो सकता मैं वीडियो ना बना पाऊँ। तो ये नीचे ये सीड हैं वर्बीना के, ये देख रहे हैं, ये तो ऊपर फूस है इसका ना, ये वाले चावल के दाने जैसे, तो कई बार मैंने ये दिखाए हुए हैं, तो बस ये स्प्रिंकल कर दूंगी मैं इस पर, और इस पर भी पानी वगैरह। तो वर्बीना के जो है बहुत जल्दी ये भी निकलते हैं, हफ्ते के अंदर ही निकल आते हैं, मैंने और भी जगहों में ग्रो कर रखे हुए हैं, तो वो मेरे हफ्ते के अंदर ही वो निकल आते हैं, पता नहीं 3 या 4 दिन में निकल आते हैं ऐसे कुछ, क्योंकि इतने सारे ढेर सारे सीड रहते हैं, कुछ याद भी नहीं रहता कि कब क्या निकलता है। तो मैं कुछ और डाल दूंगी, मैंने और भी कहीं लगाए हुए थे, तो कई बार ये फूस खाली होता है, ये नीचे का जो ये होते हैं ना, वो सीड होता है, मैं बताऊं आपको कैसा, क्योंकि जब हम अपने चुनते हैं तो फिर ये मैं इसके साथ ही चुन लेती हूँ, ये है सीड, ये है सीड, ये इसका ये सीड, ये, और इसमें ये कवर, ये इसका कवर होता है, ये कई बार खाली भी होता है, अपने आप ही झड़ जाता है। तो बस इसमें भी पानी दे देना है, और हमारा ये इसमें भी हम हल्की सी लेयर कर देंगे, ये ऐसे हल्की सी लेयर कर दूंगी मैं मिट्टी की, ज़्यादा ऊपर नहीं करनी है, बस हमारे सीड छुप जाएं ताकि चिड़िया भी नहीं खाएं और ढके रहें और इनको मॉइस्चर मिले और जल्दी से निकल जाएं। तो ये पानी दे देना है। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वर्बीना को तो मैं धूप में ही रखूँगी, और इस पॉट को भी अभी, क्योंकि हमने वो कर दिया है स्प्रे साइड में, इसकी दीवारों पे किया है, खाने वाली चीज़ अगर है तो उसमें आप वो हल्दी और वो ही डाल सकते हैं। होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये मैं अपने ये बकेट, इसको सॉरी बास्केट खाली करना चाह रही हूँ, तो इसमें फूल देखिए कितने सारे ढेर सारे आ रहे हैं, और मेरा फिर मन नहीं कर रहा कि अभी मैं इसको खाली करूँ, इसमें कुछ और लगाऊँ। तो इसमें मेरे मोस रोज़ के खूब सारे ढेर सारे फूल ये देखिए आ रहे हैं इसमें। नमस्ते जी, शुक्रिया।